हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परखाट। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद एक नया स्केच लेके आया हूँ। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये स्केच मैं पूरे तरीके से चारकोल से बनाने वाला हूँ और ये स्केच पूरे तरीके से मैं नए स्टाइल में बनाने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा टफ था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक रफ स्केच को मैंने इसमें रियलिस्टिक में कन्वर्ट किया है और कोशिश किया है कि मैं अच्छे तरीके से इसे बना सकूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को मैं दो एपिसोड में लेके आऊँ। सबसे पहले एपिसोड में मैं आप लोगों को आउटलाइन बना के दिखाऊंगा और दूसरे एपिसोड में मैं आप लोगों को पूरा ट्यूटोरियल शेडिंग के साथ दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से उसमें शेडिंग किया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे पोर्ट्रेट के हाइट को मेजर कर लेते हैं और उसके बाद अपने A3 वाले सीट पे 2 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो हम आप लोगों को बस एक ही सजेशन देंगे कि अगर आप अपने पोर्ट्रेट के हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो उस अनुसार से अपने आइडियाज़ को लगा करके आप उस अनुसार से मल्टीप्लाई करके अपने पेपर पे हाइट और विड्थ को डालिए। देखिए, हाइट और विड्थ को नापना इसलिए ज़रूरी है मेजरमेंट मेथड में ताकि हमारा प्रोपोर्शन एकदम एग्जैक्ट बने। देखिए, मेजरमेंट मेथड सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेथड है। इसे बनाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए और इसके साथ साथ आपको टाइम भी अच्छे तरीके से देना होगा। हर एक पॉइंट में आपको हर एक चीज़ को इरेज करके सही करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक ही बार में ड्रॉ करने की कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हम यहाँ पर अब सबसे पहले फ्रेम को और फिर नोज को डिसाइड करने वाले हैं। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं मेजरमेंट मेथड में तो सच में आप इसे एंजॉय करने वाले हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप ग्रिड मेथड कर चुके होंगे, आप फ्री हैंड मेथड कर चुके होंगे, तो आप मेजरमेंट मेथड भी ट्राई कीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, मेज़र करते जा रहा हूँ, नापते जा रहा हूँ और उसे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैं अपने पेज पे ड्रॉ करते जा रहा हूँ। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करने वाला हूँ ताकि आप आसानी से हर एक मोमेंट को देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, क्योंकि अगर वीडियो को मैं नॉर्मल स्पीड में दिखाता हूँ तो शायद वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं अपने चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊँगा। तो यहाँ पे अब मैं हेयर लाइन को डिसाइड कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हेयर लाइन को डिसाइड करने के बाद मैं नीचे ईयर और फिर लेफ़्ट और राइट के ईयर को ड्रॉ करने के बाद मैं नीचे के प्रोपोर्शन को भी डिसाइड करने वाला हूँ और सबसे लास्ट में दोस्तों मैं यहाँ पे लिप्स को रेडी करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक फाइनल स्टेप होगा मेरे ये रफ़ स्केच का। और रफ़ स्केच कंप्लीट करने के बाद मैं इस पोर्ट्रेट को पूरे तरीके से चारकोल से ड्रॉ करने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को हर एक चीज़ समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी ये स्केच रफ़ स्केच कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से ड्रॉ करने वाला हूँ, पूरे चारकोल से आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से इसे कंप्लीट किया हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। सेकेंड एपिसोड जो है वो कल मैं इसी टाइम में आप लोगों के साथ रिलीज़ करने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।